गाइस, वो रिकॉर्डिंग ही खत्म हो गई जो मैं कर रहा था, तो ये दोबारा शुरू से होगी। अगर आप चाहते हैं कि वो वाली रिकॉर्डिंग हो तो मैं वो भी यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, क्योंकि गाइस ये देख बहुत मैं काम करने गया था तो वो रिकॉर्डिंग ही एक खत्म हो गई। मैं चाहूंगा कि अब शॉर्ट्स के लिए जाऊँ क्योंकि पूरा ओवर हमने जाया किया। सॉरी गाइस, पिछली रिकॉर्डिंग जो हमारी थी तमाम वो खत्म हो गई है, तो मैं उसको भी यूट्यूब पे कर दूंगा, नहीं तो ना सी यहीं से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। सॉरी, बहुत सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। अब मैं स्टार्ट हो गया। 15 स्कोर है हमारा 3 ओवरों में। कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट्स के लिए जाऊँ और रन करूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 तक पहुँचे स्कोर, क्योंकि अगर इतना हमने ना किया तो इंडिया आपका पता है वैसे ही बहुत अच्छा खेलती है, तो अगर और अच्छा खेल गई तो खत्म, हम मैच हार जाएंगे। गाइस सॉरी कि जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो ख़त्म हो गई है मेरी, वो गलती से मैंने वो वापस करने के बजाय ख़त्म कर दी, तो सॉरी उसके लिए मैं आपको, अगर हुआ तो मैं कर दूंगा, नहीं तो मैं यहीं से सही है। मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान टॉस जीता था और पाकिस्तान ने टॉस नहीं जीता, इंडिया टॉस जीता और इंडिया ने बॉलिंग का फैसला किया और शान मसूद 8 बॉलों पे 11 स्कोर करके आउट हो चुके हैं। और ये देखें गाइस, बातों बातों में एक और विकेट गिर गई है, 2 विकेटें गिरती हुई हमारी। आबिद अली के आउट हो गए हैं, दोनों ओपनर्स वापस चले गए। अब बाबर आजम ही है हमारा आखिरी हिस्सा। अगर हम कुछ कर पाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट्स के लिए जाऊँ, क्योंकि हम बहुत कम स्कोर पे 2 आउट गवा चुके हैं, तो मैं शॉर्ट्स के लिए जा रहा हूँ बस, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 7 ओवर हैं और मैं चाहूँगा कि 100 तक मैं ले के जाऊँ। जैसे कि आपने पिछले देखा होगा 5 ओवरों में मैंने 70 ले कर गया था, तो हमने 265 कर लिया था, लेकिन ये तो टेस्ट मैच है, इसमें तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 100 करना चाहूँगा 10 ओवरों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 400 स्कोर पे जाए। सॉरी गाइस, ये देखें, देख लें आप स्कोर कार्ड, जो कहेंगे स्कोर कार्ड नहीं दिखाया तो स्कोर कार्ड देख लें। और अभी मैं एक दोबारा शॉट के ले जाऊंगा, क्योंकि स्कोर तो हमारा ऑब्वियसली बहुत कम है। और ये देखें गाइस, एक और आउट, अजहर अली भी आउट। जसप्रीत बुमराह की बहुत अच्छी बॉलिंग और ईशांत शर्मा की बहुत अच्छी बॉलिंग, अजहर अली भी आउट हो गए। बाबर आजम और असद शफीक क्रीज पे हैं, लेकिन अगर ये भी आउट हो गए तो मैं मुझे नहीं लगता कि हम जीत पाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि लीव कर दूँ बॉल, क्योंकि गाइस अब तो मुझे बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों आउट हो गए तो हमारे पास पीछे टेल एंडर से रह जाएंगे जिनसे मैं कुछ नहीं करवा पाऊंगा। अच्छा खेल रहे थे शान मसूल, लेकिन एक गलती ने आउट कर दिया उनको, और अब मुझे वो गलती बाबर आजम और अशर शफीक से नजर आनी। 4 ओवर हो गए हैं और हमारा सिर्फ 24 स्कोर है। मैं अब कोशिश करता हूँ कि डिफेंस या सिंगल सिंगल पे रन ले लूँ, क्योंकि अगर इस तरह करता रहा तो और 2-3 ओवरों में 2-3 और विकेटें गिर जाएंगी। ये शॉर्ट बॉल आई है, ट्राई करता हूँ कि इस पर लगे शॉट। गाइस ऐसा लग रहा है कि मैं हार्डेस्ट या एक्सपर्ट में खेल रहा हूँ या हार्ड कोर में खेल रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया खेलना। हालांकि तो गाइस ये आखिरी बॉल कराते हुए बुमराह, बहुत अच्छी बॉलिंग की बुमराह ने इस ओवर में, ये चौका जाता हुआ बुमराह की आखिरी बॉल पे, मिडन ओवर नहीं जाने दिया हमने। चले हम अगला ओवर खेलेंगे, देखते हैं अगला ओवर कौन कराना है। गाइस मैंने एक चीज़ देखनी है, ये देखिए 1 मिनट, स्कोर कार्ड, एक कैच रविंद्र जडेजा ने पकड़, एक रविचंद्र अश्विन ने पकड़ी, बाकी सारे रविंद्र जडेजा ने पकड़े हैं, तो हम एक जगह पे आउट हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जाऊँ स्लिप से निकालूँ, लेकिन नहीं निकल पाई,
दोबारा कोशिश करूंगा मैं कि निकले फ्लिप से, क्योंकि अब हमें इसी तरह सिंगल सिंगल करके रन लेने होंगे, वरना तो हमारा टांग लेना मुश्किल हो जाएगा। ये लें गाइस, स्लिप से निकल गई एक चौका, थर्ड स्लिप से निकल गई एक चौका गया। अच्छा खेला है आशीष फीक ने, बस इनकी अगर पार्टनरशिप 100+ की लग गई तो हम जीत भी सकते हैं। जीतने का तो कुछ नहीं अभी कह सकते हैं, क्योंकि 5 दिन है, 5 दिनों में कुछ भी हो सकता है। आज पहला दिन है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। डे 2 कल आएगा, कल भी मैं इसी टाइम के करीब रिकॉर्डिंग शुरू कर लूँगा। तो आप प्लीज़ आप बेल के आइकन को दबाइएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको फौरन पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारा लाइक गोल है 30, आप ज़रूर इस लाइक गोल को 30 तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको शेयर करें। आप बेशक अगर क्रिकेट नहीं देखते तो भी देखें, शेयर करें अपने जानने वालों के लिए, जिस मर्जी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा। देखें गाइस, मैं अब छठा ओवर खेलने लगा हूँ और 43 स्कोर है मेरे पास, 4 ओवर हैं जिनमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक स्कोर लेके जाना है, 70 से ऊपर स्कोर लेके जाना है, क्योंकि बहुत कम स्कोर है 46 ओवरों में। उस दिन हमने 4-5 ओवरों में कर लिया था। अब हम एक और ट्राई करेंगे, क्योंकि शॉर्ट बॉल दे रहे हैं तो लगनी तो चाहिए। नहीं, इस बार नहीं लगी, बॉल नीचे हो गई। 144 किलोमीटर की माइल्स पर बॉलिंग कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, बहुत अच्छे बॉलर हैं, इनसे सबको सीख लेनी चाहिए। और मैं दोबारा ट्राई करूंगा कि लगे शॉट, क्योंकि अभी तक हमारा स्कोर बहुत कम है। और ये एक और चौका जाता हुआ, 10 स्कोर आया इस ओवर से अभी तक। ट्राई करूंगा कि 15 पर ओवर करूं स्कोर, इस ये फिर डॉट। गाइस, आपको बोरियत तो हो रही है लॉकडाउन में, हमें तो बहुत हो रही है क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है। तो गाइस, हम जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मैं अगली सीरीज किस पे रखूं। जो जो देख रहे हैं सब पता है कि मैं अगली सीरीज किस की करूं। आएगी रियल क्रिकेट 20 पे, क्योंकि वो अच्छी गेम है एक, और मेरे पास मोबाइल पे वो है, तो और तो मैं जैसे क्रिकेट 19 और डॉन ब्रैडमैन इस तरह की किसी गेम पे तो कर नहीं सकता। तो आप रियल क्रिकेट 20 का बताएं कि मैं और कौन सी सीरीज करूँ, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया किसी की या पाकिस्तान किसी की, जल्दी से बताएं, लेगा कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये एक चौका मारा है मोहम्मद शमी की बॉल पे, ये एक और छक्का, बहुत गंदा स्टार्ट किया मोहम्मद शमी ने, लेकिन हम वो अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहली 3 विकेटें बहुत जल्दी गिराई हैं। 7वां ओवर है और 3 ओवर हैं फिर हमारे पास, हमने 3 ओवरों में ज़्यादा से ज़्यादा करना। एक और छक्का गाइस, ये देखें ज़रा, आप सोचेंगे आप के टेस्ट मैच है तो ये छक्के क्यों मार रहे हैं इतने ज़्यादा। गाइस, मुझे 10 ओवर खेलने हैं सिर्फ, अगर मैं
इतना ना कर पाया तो फिर बहुत हार जाऊंगा मैं। नहीं, हारने का तो कुछ नहीं, ज्यादा स्कोर नहीं होगा तो वो इंडिया बहुत बड़ी लीड चढ़ा देगा, तो उस लीड को फिर ख़त्म करने के लिए मुझे बहुत तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इतनी बड़ी लीड ना चढ़ा पाए। हम कम से कम कोशिश करूँगा कि 2.5 दिन तक हम बैटिंग करें। जी गाइस, मुझे लगता है एक और आउट, और ये देखें गाइस, मैंने कहा हाई था और एक और आउट हो गया बाबर आजम फिर। ओ नो गाइस, ये बाबर आजम आउट होते हुए बहुत अच्छा खेल रहे थे मोहम्मद शमी के ओवर में, लेकिन आखिर में मोहम्मद शमी ने आउट कर दिया। चेतेश्वर पुजारा ने कैच पकड़ा और अब आएंगे हमारे हारिस वेल जो आखिरी हमारे प्लेयर हैं। आगे फिर बॉलर स्टार्ट हो जाएंगे या एक बस विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान रहेंगे, जिनसे हम इतना कुछ खिलवा नहीं पाएंगे। और गाइस ये देखें, एक और विकेट मोहम्मद शमी के नाम। गंदा स्टार्ट किया था लेकिन बहुत अच्छा कम बैक किया। अब हम मोहम्मद रिजवान से ही खिलवाना पड़ेगा गाइस, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारे पास ये आखिरी प्लेयर थे जिनसे मुझे खिलवाना है। 2 ओवर है मेरे पास, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा के ट्राई करूँगा अब डिफेंस ही करूँ आप, क्योंकि अशर शफी की विकेट गिरी है गाइस। सेट बैट्समैन बाबर आजम और सेट बैट्समैन असद शफीक दोनों आउट हो गए 2 बॉलों में 2 विकटें। अब कोशिश करूँगा कि अगली ओवर आए तो मैं पहली बॉल पे डिफेंस करूँ या लीव करूँ, क्योंकि अगर उन्होंने विकेट ले ली तो उनकी हैट्रिक हो जाएगी। और ये नहीं बच गए गाइस, बस अगला ओवर मुझे लगता है दोबारा उन्हीं को देंगे, तो देखते हैं क्या होता है गाइस। आप क्या, मैं क्या पूरा एक सेशन खेलूं 30 ओवर? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं कल से फिर 30 ओवर खेला करूंगा या एक सेशन पूरा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। या गाइस मैं 15 ओवर खेलता हूँ, थोड़ा सा ओवर खेलते हैं क्योंकि स्कोर हमारा कम है तो हमने ज़्यादा स्कोर करना है। 15 ओवर तक हम ले जाते हैं अपना गेम प्ले, फिर आगे हम ऑटो प्ले कर देंगे। ये ठीक है गाइस, 15 ओवर हम खेलेंगे फिर आगे हम ऑटो प्ले कर देंगे। ये देखें एक और चौका मारते हुए मोहम्मद रिजवान, अब हमें इनसे ही खिलवाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने। 86/5, हम तो एक भी विकेट नहीं ले पाएंगे। कोशिश करूँगा कि मैं भी इनको जल्द से जल्द आउट करूँ, लेकिन हमेशा से हमारा ओपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है तो। लेकिन पिछली बार गाइस 2020 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखें, उसमें बहुत अच्छा हमने खेला। हमने पहले 5 ओवर में 70 तक स्कोर लेके गए और उनकी 2 विकटें गिराई, अच्छे 2 विकटें गिराई, शिखर धवन और रोहित शर्मा की विकेट गिराई हमने। ये आखिरी बॉल है और गाइस ये डाइव मार ली वरना रन आउट का चांस था मोहम्मद रिजवान का, नहीं तो ये भी अभी पवेलियन वापस चले जाते। मोहम्मद शमी के ओवर है, मैं ट्राई करूँगा कि इस बॉल पर लीव ही कर दूँ, क्योंकि अगर कुछ किया और अगर आउट हो गया तो इनकी तो हैट्रिक हो जाएगी। लीव बस हैट्रिक से बच के अब हम इनको मारना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर इनको ना कुछ स्कोर दिया तो हम हार के बहुत पार होंगे, बहुत पास हो जाएंगे हम हार के। अभी तक इन्होंने स्पिनर्स नहीं लाए, देखते हैं स्पिनर्स में लाते हैं तो क्या होता है। कीपर विकेट कीपर की भुवीना दे रहे हैं वृंदिमन साहा। मैं ट्राई करूंगा कि इस बॉल पे शॉट के ले जाऊं। और ये गाइस 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 एक और विकेट ले ली मोहम्मद शमी ने, एक बहुत बुरा स्टार्ट किया लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग करके हमारी 3 विकेट गिरा दी और हमारे पूरे मिडल ऑर्डर को तबाह करके रख दिया। अब हम टेल एंडर और से खेलना पड़ेगा, तो मैं अब क्या करूँगा कुछ पता नहीं।
गाइस, मैं इसी ओवर में खत्म करूं या और 5 ओवर खेलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि हम खेल पाएंगे और 5 ओवर, मुझे लगता है हमें खत्म कर। और ये देखिए एक और गाइस, गाइस अगर ये मैच इंडिया जीता तो मैं तो पक्का मोहम्मद शमी को दूंगा। गाइस हम मैंने डिसाइड किया कि हम 15 ओवर खेलते हैं। ये स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर्स को थोड़ा सा मारे स्कोर, क्योंकि इस तरह तो हम अगर आउट हो गए, मुझे लगता है हम पहले दिन में ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि 91 पे 7 आउट है। सारी तबाह कर दिया इंडिया ने हमारा बैटिंग लाइन। मैं भी कुछ शॉट्स पे जा रहा था, मेरी भी गलती है, लेकिन तबाह हो गए हम। अब तो हमें यह ऑटो प्ले बचाएगा या हम जो 5 ओवर और खेल रहे हैं वही बचा पाएंगे। देखते हैं क्या हम 5 ओवर पूरे टिक पाएंगे क्रीज पे। मुझे लगता है अगले ओवर में या 2 ओवरों में हमारी विकेट गिरा के खुद बैटिंग करेंगे, फिर बाकी हम कल खेलेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ी लीड चढ़ेगी हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत कम स्कोर किए हैं हमने और बहुत ज़्यादा आउट हो गए। 99 पे 7 आउट है तो बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। गाइस जो पीछे आवाज़ें आ रही है उनके लिए सॉरी, मैं घर में शूट कर रहा हूँ तो पीछे तो आवाज़ें आएंगी। अब मैं किसी को चुप तो करा नहीं सकता कि चुप हो जाओ, तो सॉरी प्लीज़, उसके लिए माइंड ना करिएगा। और गाइस ये बातों बातों में एक और विकेट गिरने लगी, लेकिन अंपायर ने करा। देखते हैं, ये रिव्यू लेते हैं, अगर रिव्यू ले लिया तो मुझे तो लगता है ये विकेट है। और ये विकेट नहीं ली, शुक्र अल्लाह, नहीं तो अगर ये आउट होते। गाइस मैं दिखा नहीं सकता, वरना मैं दिखा देता बेगाई में, क्योंकि इसमें रियल क्रिकेट 20 में इतनी कोई ऑप्शन नहीं है। गाइस क्या आपको लगता है इस मंथ में WCC3 आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि इस मंथ में आएगा, अगले 2 मंथ, 1 मंथ और लग जाएगा। जून में जाके शायद आए, जून के मिड में, 5 to 15 जून तक शायद आए। आखिरी बॉल है और ये मैं शॉट के ले गया तो हूँ और चौका। बहुत अच्छा ओवर हमने खेला, एक महंगा ओवर मोहम्मद शमी के बाद अब हमने ये एक अच्छा ओवर खेला है। अब देखते हैं कौन बॉलिंग कराने था, फिर मोहम्मद शमी बॉलिंग कराने आए। और गाइस इनकी तो मुझे ओवर, बेशक अगर पूरी बीट करनी पड़ जाए तो मैं करूँगा, क्योंकि तो सॉरी का जो भी पीछे आवाज़ें हैं तो उसके लिए सॉरी, आवाज़ें तो आएंगी आपको। फिर मैं ट्राई करूँगा शॉट के लिए, लेकिन इस बार चाह रहा हूँ कि ना ट्राई करूँ, स्लिप से निकालूँ बॉल एक, और ये स्लिप से निकालते निकालते कहीं और छूट लगी, और ये एक और विकेट मोहम्मद शमी के नाम। गाइस ये तो हमारी ही गलती, हम पे ही भारी पड़ गई इनको शॉट्स लगाने का। पहले ओवर में हमने इनको हल्का लिया और देखें अब 5 विकेटें ले गए। गाइस हम तो पूरे ढेर हो के रह गए, ढेर हो के रह गए। गाइस मुझे लगता है बस एक और ओवर खेलेंगे हम, और मुझे लगता है ये हमें चलता कर देंगे। मैं फिर पुश करूंगा, बहुत बड़ी गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया, स्लिप से निकालते निकालते कहीं और से ही निकल गई। ओ नो गाइस ये एक और आउट होते होते बच गया। देखते हैं रिव्यू ना ले ले, अगर रिव्यू लिया तो मुझे तो लगता है आउट है। मैंने पिछली बार किया था लेकिन रिव्यू नहीं ली, इस बार अगर रिव्यू लिया तो आउट हो जाएगा। नहीं आउट हुआ, मैं आप शॉर्ट्स के लिए जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब मेरे पास ना विकटें हैं ना स्कोर हैं, अब आउट हो या हो ना हो। गाइस फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट डे के मैन ऑफ द मैच तो मैं मोहम्मद शमी को दूंगा। बहुत अच्छी बॉलिंग की, पहले पहले ओवर में आए तो इन्होंने छक्के, मैंने एक छक्का, 2 छक्का, 3 छक्का चौका मार के इनको
हल्का लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने मेरी पांच धड़ाधड़ 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 विकेटें गिराई, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं तो इनको मैन ऑफ द मैच भी दूंगा अगर इंडिया जीत गया। ये लें एक और गाइस विकेट, रविचंद्रन अश्विन पहली बॉल पे विकेट लेते हुए। मुझे लगता है हम पूरी 15 ओवर भी नहीं खेल पाएंगे, हमें एक ओवर इनको कराना पड़ेगा, पहला ओवर 2-3 ओवर कराने पड़ेंगे। गाइस पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब छक्का मारा है एक बहुत अच्छा मोहम्मद शामी ने, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। रविचंद्रन अश्विन का बहुत अच्छा शुरुआत। अब हम शॉट्स के लिए जाएंगे क्योंकि ज़्यादा कोई हमारे पास है नहीं ऑप्शन, और ना विकटे हैं, एक विकेट है, तो बस अब जितना हो सकता है इसी से करूँगा, कोशिश करूँगा कि लगे, लेकिन नहीं कुछ हो नहीं सकता। मोहम्मद शमी से पहले 2-3 विकेटें थी, बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद शमी आए उन्होंने धड़ाधड़ 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 विकेटें। मैं कह रहा था कि मोहम्मद शमी बहुत अच्छा ओवर नहीं करा रहे, बहुत स्कोर खा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और विकेट लेते रह गए लेते गए लेते गए। दोबारा जा रहा हूँ शॉट के लिए, क्योंकि आप तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। मैं अब एक्सपेरिमेंट्स करूँगा नई नई शॉट्स के। गाइस जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, हमारे घर में काफ़ी शोर शोर है, तो प्लीज़ उसका माइंड ना करिएगा। मैं अब एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, शॉर्ट्स के लिए जाऊँगा जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि इस तरह की शॉर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं गाइस। स्वीप, रिवर्स स्वीप, तो अब तो हमारा गेम ख़त्म हो गया गाइस, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 15 ओवर हम खेल के जाएं। मोहम्मद शमी फिर आते हुए गाइस, इस बार मैं नहीं, लेकिन इस बार मानना तो पड़ेगा, नसीम शाह तो हैं हमारे। और ये एक और विकेट, गिरते गिरते बच गई और मैं डबल, नहीं, ट्रिपल नहीं, डबल नहीं, डबल नहीं, सिंगल लूंगा, सिंगल लूंगा, हरिसवेल को रखूंगा ताकि हरिसवेल थोड़ा सा अच्छा कर पाए। नहीं, अगर नसीम शाह को रखा, ओ नो गाइस, ये तो डबल ले लिया इन्होंने। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, सिंगल 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 सिंगल, ओ नो, ये तो बहुत करीब से घुस के चली गई। मैं ट्राई करता हूँ दोबारा, ये सिंगल 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 सिंगल, सिर्फ सिंगल, सिर्फ सिंगल, सिर्फ सिंगल ही लूंगा। अगर नसीम शाह को अगर दोबारा लाया तो विकेट तो गिराया, और इस वेल से थोड़ा सा मैं करवा पाऊंगा 50। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी 50 कराऊं, एक बंदे की, एक बंदे की 50 हो ना। वैसे हमारे काफी सारे प्लेयर हैं जो डबल फिगर में नहीं गए, गाइस इसकी 50 हो गई हरिसवेल की, बहुत अच्छा खेले हैं हरिसवेल, एक छक्का 11 चौके। दोबारा मैं ट्राई करूंगा शॉट के लिए, क्योंकि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं चाह रहा हूँ कि 15 ओवर मैं खेलूं, फिर बाद में ऑटो प्ले के बाद जो मर्जी हुए। 145 लाख ले गया हूँ, ले तो गया हूँ, लेकिन गाइस मुझे चाहिए था 400 अप, और ये तो मेरा 400 400 400 बच गया। मुझे लगता है 400 से ऊपर, और गाइस इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और रोहित शर्मा को ओवर दिया, देखते हैं क्या होता है। मैं पहली बॉल पे सिंगल निकालूंगा, सिंगल सिंगल सिर्फ सिंगल। अब मैं हरिसवेल से खिलाऊंगा, ट्राई करूंगा थोड़ी अलग अलग शॉट्स जो मुझे पसंद हैं वो खेलूंगा, और भी बहुत सारी शॉट्स खेलूंगा। फ्रंट फुट पे आके ये वाली शॉट खेलूंगा, ये मुझे अच्छी लगती है। अरे एक और इस तरह चौका, रोहित शर्मा को ओवर दिया गया, हालांकि यहाँ पे जरूरत थी रविचंद्रन अश्विन की।
यहाँ पे रविचंद्रन, लेकिन इनको इनकी टीम कोई जरूरत नहीं क्योंकि 150 करोड़ है सिर्फ। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, आखिरी ओवर है, इसके बाद मैं वैसे भी ऑटो प्ले करने वाला हूँ। एक सेशन पूरा खेलें नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं आगे बहुत लंबा हो चुका है वीडियो, 20 से 25 मिनट का वीडियो आ गई हो चुका है। गाइस पीछे आवाज़ें आ रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर में तो कोई चुप होने वाला नहीं है, तो हमें ही कुछ करना पड़ता है, तो इसी इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। बस मैं अब 2 बॉलें रह गई हैं, तो मैं इससे भी नसीम शाह से भी ट्राई करूँगा वॉली शॉट। ओ गाइस ये मेरा सबसे बेहतरीन शॉट इस मैच का, नसीम शाह 64 हारिसवेल, क्लैफ फॉर हारिसवेल। गाइस प्लीज़ इस वीडियो को 30 लाइक्स पहुँचाएँ। गाइस मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरी अपना करूँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा, और ये ख़त्म। गाइस मैं खेल रहा हूँ और नहीं बल्कि ऑटो प्ले करते हैं, अब हम एंड ऑफ डे डे एंड करेंगे। और ये गाइस बहुत अच्छा 169 हो गया। चले मैं आपको दिखाता देता हूँ, स्कोर दिखा देता हूँ। गाइस ये 69 हारे स्वेल और 9 रन्स पे रन आउट हो गए। चले ओके गाइस अलविदा, फिर मिलेंगे कल। और ये देखें हमने 15 ओवरों पर आउट प्ले किया था और अगले 2 ओवरों पे ख़त्म। अलविदा, कल मिलेंगे फिर।